नमस्कार, वेलकम टू योर चैनल स्टॉक मार्केट विचार्स। जैसे कि हम मल्टीपल टाइम एनालिसिस किए कि मल्टीपल रिटर्न के लिए मल्टीयर का कौन सा ऑप्शन चाहिए। आपके स्क्रीन के सामने जो चार्ट ओपन हुआ है, ये ओपन है आरसीएफ का, राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर का। टाइम फ्रेम सिलेक्ट हुआ है मंथली। ईयर 2007 में देखिए प्राइस यहाँ पे टॉप ट्रेड किया था, उसके बाद अप टू 2021 प्राइस देखिए यहाँ पे मल्टीयर का कंसोलिडेशन जोन के अंदर, एक रेंज के अंदर कंसोलिडेशन हो रहा था, जिसको फाइनल यहाँ पे ईयर 2021 में जो प्राइस के लिए मेजर एंड मॉल्टर का रेजिस्टेंस था उसको ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद देखिए यहाँ पे अप ट्रेंड कंटिन्यू चल रहा है, और जो यहाँ पे मॉल्टर का रेजिस्टेंस था ना, ये लेवल 110 के आसपास था, क्योंकि यहाँ पे लगभग प्राइस 14-15 इयर्स का कंसोलिडेशन के बाद रेंज को ब्रेकआउट किया था। ब्रेकआउट के बाद देखिए दोनों ब्लैक लाइन के ऊपर फोकस कीजिएगा, यहाँ पे राइजिंग चैनल को फॉलो कर रहा है। लेकिन हम मल्टीपल टाइम कवर किए हैं, कभी भी प्राइस राइजिंग चैनल को फॉलो कर रहा होगा, हमेशा से कोशिश कीजिएगा राइजिंग चैनल का लोअर बाउंड्री के आसपास एंट्री करने का, क्योंकि देखिए प्राइस जो यहाँ पे राइजिंग चैनल को फॉलो कर रहा है, जब भी इस चैनल का अपर बाउंड्री के आसपास जा रहा है मल्टीपल टाइम सप्लाई मिल रहा है, और लोअर बाउंड्री से देखिए मल्टीपल टाइम डिमांड देखने को मिला है। एक्चुअली स्टॉक का प्राइस देखिए जो राइजिंग चैनल है ना, उसका अपर बाउंड्री के आसपास जा रहा है। उसके साथ अगर आप आरएसआई देखेंगे तो क्लियर कट देखिए यहाँ पे आरएसआई में डाइवर्जेंस शो कर रहा है। प्राइस यहाँ पे हायर हाई फॉर्मेशन किया है, लेकिन आरएसआई देखिए यहाँ पे हायर हाई फॉर्मेशन नहीं किया है, जो कि एक नेगेटिव डाइवर्जेंस है, जिसकी वजह से प्रोबेबिलिटी हाई है कि आने वाले टाइम में स्टॉक का प्राइस वाइज या टाइम वाइज करेक्शन कर सकता है। नो डाउट अगर आपके पास है तो होल्ड करना चाहिए, क्योंकि प्राइस यहाँ पे मल्टीयर का कंसोलिडेशन जोन को ब्रेकआउट किया है। लेकिन फ्रेश एंट्री जो करंट प्राइस चल रहा है 185, इस लेवल के ऊपर मत कीजिएगा। देखिए बड़ा स्ट्रक्चर बुलिश है, लेकिन यहाँ पे जो शॉर्ट टाइम फ्रेम का पिक्चर है ना, जो राइजिंग चैनल है, यहाँ पे स्लाइडली बियरिश दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से प्राइस यहाँ पे पुल बैक कर सकता है। जिनके पास है और नीचे का पाएंगे 110 के आसपास, नो डाउट होल्ड है। फ्रेश एंट्री करने के लिए एक बार डेली टाइम फ्रेम को जाना पड़ेगा, लेवल कौन सा बन रहा है। सबसे जो लोअर रिस्क जोन बनेगा जो राइजिंग चैनल है ना, उसका लोअर बाउंड्री जो कि लेवल बन रहा है नियरली 140 के आसपास, क्योंकि मल्टीपल टाइम देखिए ये जो चैनल चल रहा है उसका लोअर बाउंड्री के आसपास जब भी प्राइस आया है डिमांड देखने को मिला है। तो एग्जैक्टली अगर आने वाले टाइम में स्टॉक का प्राइस यहाँ पे 140 को टेस्ट करेगा, यहाँ पे सबसे लोअर रिस्क जोन बनेगा। एंड अभी के लिए तो बिल्कुल भी नहीं एंट्री करना है फ्रेश एंट्री, क्योंकि यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम में नेगेटिव आरएसआई डाइवर्जेंस शो कर रहा है। अगर अभी हम डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो देखिए मेजर सपोर्ट अभी बन रहा है इमीडिएटली 155 के आसपास। अगर स्टॉक का प्राइस यहाँ पे 155 को टेस्ट करेगा, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जैसा काम करेगा डेली टाइम फ्रेम में। लेकिन जो सबसे लो रिस्क बनेगा राइजिंग चैनल का लोअर बाउंड्री 140, आइदर 155 नहीं तो 140 के आसपास फ्रेश एंट्री करेंगे तो लो रिस्क बनेगा। जिनके पास है होल्ड करना चाहिए, बड़ा टाइम फ्रेम का यहाँ पे आउट परफॉर्मेंस आ रहा है। अगर आप यहाँ पे क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस के ऊपर सेल्स देखेंगे, देखिए सेल्स तो यहाँ पे डाउन हुआ है, लेकिन नेट प्रॉफिट जो है ना 11 करोड़ से 95 करोड़ हो गया है। जबरदस्त नेट प्रॉफिट में जंप देखने को मिल रहा है, बस सेल्स यहाँ पे स्लाइडली डाउन हुआ है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर जाएंगे, प्रोमोटर के पास माल है 76% माल, 75% माल एफ आई के पास, 2.58%, और जो बैलेंस माल है पब्लिक के पास है, एंड बी आई होल्ड कर रहे हैं 0.34%। स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग है, मल्टीयर का ब्रेकआउट है, बस पुल बैक में फ्रेश एंट्री का फायदा लेना चाहिए 140 के आसपास। करंट लेवल के ऊपर बिल्कुल नो है, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम में नेगेटिव डाइवर्जेंस, उसके साथ राइजिंग चैनल के आसपास प्राइस एंट्री कर रहा है। हमेशा से क्वांटिटी की मैनेज कीजिएगा। मैं ऐसा करता हूँ, आप डिटेल समझ पा रहे होंगे। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, जय।